ये जो है पल्सर NS200 का जो रेयर मडगार्ड का फ्रेम अंदर का टूट चुका है, तो उसको अभी वेल्डिंग कराना है। मडगार्ड जो टूटने का कारण सिर्फ और सिर्फ कल्याण रोड के खड्डे है। ये खाली खोल दो इसको, ये खोल के दे दो, वेल्डिंग कराना वहाँ पे। कल्याण रोड के खड्डे की वजह से पूरी गाड़ी की जो वाट लग चुकी है, अभी इसको खोलने का है। खोलने के बाद उस तरफ जो है वहाँ पे वेल्डिंग कराना है। ये जो मडगार्ड जो कंपनी फिटेड आता है वो यहाँ तक का रहता है, लेकिन जब मैं लगवाया हूँ तो ये शॉर्ट पड़ गया, क्योंकि शाकिब ने इसको निकाल के कहीं रखवा दिया था, तो फिर बाद में वो मिला नहीं, तो मुझे दूसरा लगाना पड़ा, तो दूसरा जो है ये शॉर्ट पड़ गया है। और वो कीचड़ और छींटे से बचने के लिए मैंने ये कार्डबोर्ड लगा दिया ताकि छींटे ऊपर तक ना आए। अभी कल की बात है, ये देखो रिफ्लेक्शन लाइट जो है ये कल टूटा है। नहीं खुलेगा उससे, वो क्या है स्लिपी है ना, वो वही लगेगा, एलंकी लगेगा। भाई साहब पकड़ से खोल रहे, जो चीज़ ये पकड़ से थोड़ी खुलेगा, ये इसको लगेगी एलंकी। अंदर से फ्रेम टूटा हुआ है, हाँ वो तो पूरा निकलेगा ना, ये निकलेगा तो इसको भी खोल के दे देना, पहले इसको निकाल लो, क्योंकि अंदर का फ्रेम टूटा, इसको वेल्ड कराना है। ना ये तो ये खोल लो ना पहले, ये भी तो निकल जाएगा फिर। हाँ यार टूटा है ना, हाँ ये अभी मुझे कटाना है ये चीज़ जो है वो मडगाड़ के ऊपर लग रहा है। मडगाड़ इसके लिए ज़्यादा जब प्रेशर पड़ता है, जब बाइक के ऊपर जब वेट बढ़ता है, तो ये जो चीज़ है ये मडगाड़ पे लगता है, तो इसके लिए मुझे ये अभी कटवाना है। तो ये भी काम हो चुका, अब जो है मडगार्ड थोड़ा सेफ रहेगा। वैसे तो बिगर मडगार्ड की बाइक अच्छी लगती है, खाली तकलीफ ये है कि पिलन के ऊपर तक जो है छीटा जाएगा, इसके लिए मडगार्ड बहुत ज़रूरी है। अभी फिट करना है और निकलना है। We'll be right back.
काम जो है वो पूरा हो चुका है, फिटिंग अच्छी हो गई है, अब हिल नहीं रहा है। तो बस आज के वीडियो में बस इतना ही है, अभी मिलता हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए इस चैनल में नए हैं वो फटाफट सब्सक्राइब कर ले और 1K फटाफट पहुँचाओ। तो बस।